नमस्कार, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। हमारी चुनाव यात्रा खूंटी से चलकर चाईबासा के इलाके में है। चाईबासा जो है पश्चिमी सिंहभूम का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर माना जाता है, उससे थोड़ा सा आगे हम निकल रहे हैं। ये सिंहभूम लोकसभा के इलाके में हम लोग घूम रहे हैं और घूमते घूमते हमको एक आर्चरी अकेडमी सड़क के किनारे पुटीदा गाँव में दिखाई दे गई, तो हम यहाँ रुक गए। झारखंड की एक बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ अर्बन पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन गाँव देहात में खेल का माहौल अभी भी मैदान बचे हुए हैं। आप यहाँ से निकल जाइए, हर गांव में खेल का मैदान मिलेगा, बच्चे खेलते मिलेंगे। खूंटी जो है उसकी एक खासियत यह है कि हॉकी टीम, नेशनल हॉकी टीम में हर समय खूंटी का एक ना एक प्लेयर जरूर मिलेगा। गांव देहात में अगर दो तीन दुकानें भी होंगी तो एक दुकान पे हॉकी स्टिक जरूर मिलती होगी। और यहाँ तैयारी हो रही है आर्चरी की, अगर विजय जी थोड़ा सा कैमरा घुमा पाए तो ये बच्चे आर्चरी की तैयारी कर रहे हैं। सामने टारगेट भी लगा हुआ है, टारगेट प्रैक्टिस चल रही थी। सर आपका नाम बताएंगे? सर मेरा नाम दुम्बी पूर्ति। अच्छा पूर्ति जी, आप इस अकेडमी को चलाते हैं? जी, शुरू से ही हम अपने खुद चलाते हैं सर। अच्छा, अपना बेटी लोग ही प्रैक्टिस करती है। और ये बच्चे, दो बेटियां आपकी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी, जी, जी। और उसके अलावा ये जो बाकी बच्चे हैं उसके साथ में प्रैक्टिस करते हैं? साथ में प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें आप अपना खुद का पैसा लगा रहे हैं, कहीं से कोई सपोर्ट भी मिला? नहीं, पहले तो अपना ही पैसा से, दो मिनट, अपना पैसा से ही हम करते थे। अभी कुछ हाल फिलहाल में नवम्बर महीने में ओर से 50,000 का सहयोग मिला है, तो उस 50,000 से फिर धनुष खरीदे गए, धनुष खरीदे और बोर्ड उगारा खरीदे हैं। अच्छा, एक मिनट बच्चों से बात कर लें। अच्छा। क्या नाम हुआ? धनीराम पूर्ति। धनीराम, किस क्लास में पढ़ते हो? नाइन्थ। हाँ। और कोई टूर्नामेंट खेले हो अब तक? जी हाँ। कौन सा? नेशनल लेवल खेल चुके हो? जी। अच्छा, और आप में से कोई नेशनल खेला है? आप खेली है? हाँ, कहाँ खेली है? बेंगलोर में और गुजरात विजयवाड़ा। अच्छा, और दिल्ली में भी खेली है। आप सर की बेटी हैं? जी सर। हाँ, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 2006 से। 6 से कर रहे हैं? कितनी उम्र थी उस समय? 6 साल के थे सर। 6 साल से धनुष पकड़ लिया? जी सर, 6 साल से बच्चे धनुष पकड़े हुए हैं। अगर कुछ देश की परफॉर्मेंस ओलंपिक गेम्स में सुधरेगी तो यही से सुधरेगी, यही वो प्राथमिक पाठशालाएं हैं जहाँ से ये चलेगा। तो एक बात बताइए सर, आर्चरी तो कोई आम आदमी का खेल नहीं है, बड़ा पैसा लगता है इसमें? जी 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 जी। जैसे धनुष कितने का आता है? धनुष ये सब जो है ना सर, ये सब इंडियन राउंड बोलते हैं। अच्छा, ये सब 6,000-7,000 का किट आता है। और अगर हम प्रोफेशनल धनुष खरीदेंगे तो कितने का आएगा? वो सर आता है 2.5 लाख से 3 लाख। बाप रे, 2.5 लाख से 3 लाख का धनुष आता है। एक तीर कितने का आता है? 3,000 से 3,200 तक का। 3,000 का एक तीर आता है? तीर का। और ये जो तीर ये बच्चे लेके घूम रहे हैं, ये सब जो आता है सर 70-80 रुपए का। हाँ, ये अच्छा मैं एक बार देख लूं, ये इससे देख लेता हूँ। ये बांस का तीर है? ये बांस का तीर है ना, बांस का तीर है और इसमें आगे टिप लगी हुई है एल्युमिनियम की। जी जी जी, ये एल्युमिनियम की टिप है जी, और ये है पीछे प्लास्टिक का। प्लास्टिक का, तो लेकिन जो प्रोफेशनल तीर होता है वो पूरा का फाइबर का होता है। जी जी जी, ये जो। अच्छा एक बार दिखाइए, एक दिखाओ तो बाबू। ये प्रोफेशनल तीर है, ये 3200 का एक तीर है। तो तीरंदाजी मतलब सस्ता खेल नहीं है, लेकिन भारत का प्रदर्शन तीरंदाजी में अच्छा रहा भी है और हो भी रहा है। जी, जी, जी। तो आप खुद भी खिलाड़ी रह चुके हैं? जी, स्टेट लेवल तक हम खेले हैं सर। स्टेट लेवल खेले और अब आप द्रोणाचार्य बने हुए हैं? जी। अच्छा, एक चलते चलते एक सवाल अगर आप जवाब देना चाहें तो ठीक, भाई साहब आप भी अगर देना चाहें तो ठीक। इस इलाके में सिंहभूम के इलाके में गीता कोड़ा जी लड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण गिलुआ जी लड़ रहे हैं। जी, 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 जी। जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जी, 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 जी। तो किसी का प्रभाव ज्यादा है या कम है या मुकाबला कांटे का है? मुकाबला कांटे का है सर। अच्छा, एक बार इधर देख लीजिए, अभी हवा तो चल रहा है सर। इधर घूम जाइए। अच्छा, हवा तो चल रहा है, वो गीता कोड़ा का ही ज्यादा। सॉरी दोबारा बोलेंगे जी? हाँ, क्या किसकी आवाज? गीता कोड़ा का ही। अच्छा, आपको क्या लग रहा है किसकी आवाज ज्यादा है? हमारा ख्याल से कांग्रेस का ही आवाज ज्यादा चल रहा है। गीता कोड़ा, गीता कोड़ा प्रत्याशी है, किसका आवाज ज्यादा है? वही कांग्रेस का ही। कांग्रेस का। अच्छा। और हम लोग का यहाँ कुटी क्षेत्र पड़ता है, यहाँ कालीचरण मुंडा जीत जाएगा आराम से। अच्छा, आपको लग रहा है कालीचरण मुंडा भी जीत जाएंगे? तो इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लक्ष्मण गिलुआ जी, उनकी स्थिति थोड़ी फंसी हुई है, क्योंकि हम अन्य जगह पर भी बात किए थे और वहाँ लोगों का कहना था कि गीता कोड़ा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है ना,
उनकी स्थिति काफी मजबूत है। संयुक्त विपक्ष की ओर से वो उम्मीदवार हैं गठबंधन की, कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो उनकी स्थिति मजबूत बताई जा रही है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार लक्ष्मण गिलुआ जी यहाँ से जीते थे, अगर भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में अपना परफॉर्मेंस, अपनी स्थिति सुधार नहीं पाती तो उसके लिए मुश्किल भी हो सकती है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई और झारखंड से जुड़ी हुई हलचलें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए पंचायत टाइम्स।